ओए यार वो बंदा कितना गंदा है। कर दिया ले गया ले भाई तू अपना खुद ही ले ले। जिससे लाता है उनके साथ यारी दोस्ती पा लेता है ज्यादा ज्यादा दे इसको। Hey everyone, welcome back to my new vlog. आज अभी मैं नहा धोकर तैयार हो चुका हूँ, अभी मेरी शिफ्ट खत्म हुई थी तो ये जा रहा है अभी जिम जा रहा है, ये जिम की तैयारी हो चुकी है। और एक बात बताओ, मैंने जो कल का व्लॉग डाला था इतना चुन कर इतना ढूंढ कर डाला था इतना मस्सा, कितने कम लोगों ने देखा यार। लस्सी कर दी तेरी, लस्सी कर दी वो वाला व्लॉग इतना चुम्बेश्वरी था ना क्या बताऊँ मैं तुम्हें। मॉम कपड़े धोते हुए, पापा लोगों की न्यूज़ चलती रहती है तो अभी फिलहाल पापा यहाँ पर न्यूज़ देख रहे हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी भी चल रहा है, अपन लोग छत पे चलते हैं। स्टूडियो के ऊपर लैंटर भी प्रॉपर पड़ गया, अभी शटरिंग खुलेगी 22 या 23 तारीख को, 10-12 दिन बाद खुलती है ना, तो वो जो डंडे से ही लगे फट्टे ये 10-12 दिन बाद खुलेगी। मैं ना तुम्हें अपना पहले पूरा का पूरा हॉल दिखाता हूँ यहाँ पर मैं क्या क्या बनाया है, ठीक है। सबसे पहले तो यार अपन लोगों ने ये मंदिर बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मंदिर बनेगा और यहाँ पर लगेगी खिड़की, प्रॉपर यहाँ पर खिड़की लगेगी और यहाँ पर डोर लगेगा, ये है मंदिर, ठीक है। और ये है हमारी स्टूडियो और जो ये विंडो है अभी ये टूटनी है और इस विंडो से लेकर यहाँ तक कंप्लीट एक विंडो लगेगी, प्रॉपर कांच की विंडो बनाएंगे, प्रॉपर कांच ही कांच होगा और वहाँ पर दरवाज़ा बनेगा। और ये है अपन लोगों का स्टूडियो, इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक अपना स्टूडियो स्टूडियो है, लंबा काफ़ी तो काफ़ी स्पेशियस है तो हम काफ़ी सामान रख सकते हैं रोनी और मैं। अब स्टूडियो हमारा ज़बरदस्त बनने वाला है, हम इक्विपमेंट्स वगैरह भी लेकर आएंगे मस्त मस्त, तो स्टूडियो को तो बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया। साथ ही पापा ने कहा एक मंदिर भी चाहिए ऊपर, तो फिर पापा ने मंदिर ही बनवा लिया। नाच मेरी जा, आज ना मार्केट में कुछ खाने का मन कर रहा है, गोलगप्पे बहुत ज़्यादा ऐसे तलब हो रही है, रोनी से पूछ लेते हैं अगर उसको खाने हैं तो, अदरवाइज अपन लोग चलेंगे खा कर आएंगे। ऑलवेज वर्किंग, खाएगा कुछ? मैं मार्केट जा रहा हूँ, तलब हो रही है कुछ खाने की, तलब हो रही है। हाँ हो रही है ना, मेरे को बहुत हो रही है, चल काम बाद में करिए अभी चल। I have to wrap it up this work. तो मतलब मैं अकेला खा के रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ गोलगप्पे खा लूँ, बहुत मन कर रहा है। गोलगप्पे ले अब रे, ऐसे करे ना उसका पानी मुंह में गिरता रहे तो क्या मजा है, पानी स्वाद दवा देता फूडीज को। तो ले, किसके लेकर आएगा? उस अंकल का लेकर आई हो? लेकर आएगा क्या, क्या मतलब है लेकर जा रहा हूँ अपने आप को वहाँ खाऊंगा? घर भी तो लाएगा, घर क्यों लाऊंगा, पापा मारेंगे मुझे। नहीं मारेंगे, इसी कमरे में लेके भाग के सीधे इसी कमरे में आ जाओ ना। तो मैं अन्नू के लिए भी ले रहा हूँ फिर, अन्नु से पूछ ले बाहर तो नहीं खा के आएगा। हाँ मैं पूछ लेता हूँ अन्नू से भी, तेल भी ना तो ले ही आता, ज्यादा लेकर आइयो यार। कितने खाएगा? 10-10 तो ले ही आया यार, 10 गोलगप्पे खा लेगा। ये तो मेरा वार्म अप है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो 10 तेरे 10 मेरे 10 अन्नू के, हाँ 30 तो ले ही है। मैं तो सोच कर आया था कि 5-5 गोलगप्पे एक एक प्लेट, ये तो प्लेयर निकला। सही है, अन्नू से पूछ लेता हूँ फिर जाता हूँ। भैया सूजी वाले 10 गोलगप्पे और नॉर्मल वाले 10-10 कर दो, ठीक है, आटे वाले 10-10 और सूजी वाले 20, नहीं फिर सूजी वाले भी 10 पैक कर दो। और क्या बात है भाई, सब ये काम तो उनकी सही करवाते हैं। ये डालता बहुत मस्त है, पानी वाली है सर, मारूंगा इतना याद रखिए, बहुत लगा देता है, देखो कितने 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 अच्छे तरीके से डाल रहे हैं। मेरा ब्लॉगर बनने का मन कर रहा है, एक सेकंड ब्लॉगर बन देता हूँ। तो हम गोलगप्पा चैनल कर रहे हैं गाइस, ये हरा हरा सा कुछ लगा भैया, क्या ये गोलगप्पे का पानी हो रहा है? गोलगप्पे का पानी, यस। तो गाइस अभी हम गोलगप्पा चैनल कर रहे हैं, इसके अंदर पता नहीं क्या है ये हरा हरा सा, भैया इसके अंदर पानी है? लहसुन है, लहसुन लहसुन है, अच्छा सॉरी। और ये किस में डाला भैया, ये बाउल में डाला भैया? अदरक में, अदरक में डाला भैया, ओके। ये इसके अंदर, ये हम पापड़ी के साथ खाते भैया इसको, गोलगप्पा रोटी सब्जी, रोटी सब, ओके। ब्लॉग बहुत मुश्किल हो जाता है, फूड ब्लॉग बनाना ना, हर चीज़ पूछनी पड़ती है। ये तो है। और आज का जो हम चैलेंज करने वाले हैं ना, इसमें चैलेंज नहीं है बेसिकली, गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था तो गोलगप्पे लेकर आ गए, ये अपना स्वाद के साथ। गोलगप्पे में गोलगप्पा होता है क्या? मारूं उल्टे हाथ के। तो मैं वैसे तो मैं मिर्ची वाला पानी कर रहा हूँ, इतनी मिर्ची है उसमें, इतनी मिर्ची है, पर मैं और अनु अलग से उसके में मिर्ची भी डालकर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। बहुत चूल्हा है, बहुत चूल्हा है, मैं तैयारी करता हूँ, तुम इससे बात करो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि फूड ब्लॉगिंग करना ना आज के टाइम में इतना आसान नहीं रहा है, पता है हर चीज़ वो बंदा डाले फिर पूछो, मतलब बंदे ने तुम्हारे सामने घी डाला और तुम्हें पूछना है कि भैया क्या डाला है, तो थोड़ा सा टफ हो जाती है जिंदगी, है ना, वो बेइज्जती अलग करता है, दिख नहीं रहा तेरे को, थोड़ा सा ना फूड ब्लॉगर्स की लाइफ टफ हो गई है। अब बंदा गोलगप्पे की रेडी पे खड़ा है, गोलगप्पे खा रहा है और पूछ रहा है भैया ये क्या है, तो सेंस नहीं बनती, काफ़ी बार बंदा फिर बेइज्जती कर देता है, दो चार लड़कियाँ भी खा रही होती है कि नहीं भाई पिज्ज़ा है ये, तो बहुत बेइज्जती होने लगी है ना अंकल। भाई उसने कितना भर के दिए थे कि आलू वगैरह, ये देखियो कितना ज़्यादा भर के दिए। ये फायदा होता है यारी दोस्ती पाने का ना, ये बंदा इतना तेज है ना, इसने इसको पता है, ये वीडियो के लिए लाता रहता है सामान, तो जिससे लाता है उनके साथ यारी दोस्ती पा लेता है ना, ज़्यादा ज़्यादा दे इसको। ये बंदा पैसे बचा रहा है भाई।
बाउल तो देखो तुम कैसे भरे हुए पानी के, और लाए लाए सिर्फ तीन चार प्लेटें। चार प्लेटों में भी बंदा बोल रहा है ले जा यार मेरा ड्रम ले जा तू। तो सूजी वाली चाहिए थी ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ठीक है। रोनी को भी सूजी वाले डाल देते हैं, चार पाँच बार बार की तरह भेजना, एक दो तीन चार पाँच छ सात। पहले हम करेंगे सात सात गोलगप्पों के साथ चैलेंज, और रोनी खाएगा अपना स्वाद में जैसे वो हमेशा खाता है, और मेरे और अनु का असल कंपटीशन है हमें सात सात के साथ, जो पहले मिर्च खत्म कर देगा और ये खत्म करेगा वो जीतेगा। मैं आज पता लगेगा पूरी मिर्च खानी है, और भगवान कसम ये मैंने फ्रिज में से निकाले, मुझे नहीं पता कितनी तेज है कितनी कम तेज है, कुछ नहीं पता। मिठू बाद में, ओ मिठू को देखो वहां से कैसे चढ़ चढ़ के खा रहा है। एक दे इसको, ये वाला दे दे, चल कर दियो। ओए ले गया ले भाई, तू अपना खुद ही ले ले। कहता तू क्या मुझे देगा, कहता तू क्या मुझे देगा। ओ देख बैठ बैठ के खेल रहा है, चल उसे खान दे। देख गिनती से सात गोलगप्पे तेरे पास है, सात मेरे पास है। रोनी की गेम अपनी अलग है, तुम्हें पता ही होगा जिन्होंने वीडियो देखी है, रोनी से मिर्ची नहीं खाई जाती। तो छेद कर लिए, एक में किया भाई, दो में, दो में। ये तो पहले से था, टफ होने वाला, बिकॉज क्या पहले से था ये गेम थोड़ा टफ होने वाला है, पता क्यों इन दोनों के लिए, क्योंकि जिस बंदे का पानी है ना वो ऑलरेडी बहुत तीखा है, बहुत ऊपर से इसने मिर्ची भी निकाली गेम के चक्करों में, वो तो जान प्यारी है भाई। तू कितने में कर रहा है, चलो ठीक है। एक वो शुरू कर दिए इसने, एक दो तीन, आज असली विनर का पता लग गया मुझे तो नहीं। मिर्च खत्म करना पहले, एक ही बार में खत्म। तूने मिर्च पूरी खा ली? अनु ये बहुत गंदी गेम खेलता है। ओ यार वो बंदा कितना गंदा है यार, वो बंदा कितना गंदा है। कौन जीता था रे, सही से बता। हार गया अनु आज, हार यार। दो एक सेकंड से आ रहा होगा। मैंने ना शुरू में मुंह में पूरी की पूरी मिर्च मुंह में, किसने इसने मैं तूने शुरू में देखा ही नहीं, मैंने क्या करा, पहले गोलगप्पा डाला ना मिर्च से पकड़ी। अरे मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैंने स्कीम था बहुत मैंने स्कीम बताया क्या भाई, जब मैंने पहला गोलगप्पा डाला ना, जब वो गोलगप्पा मैंने तोड़ा भी नहीं, उसी के बीच में मिर्च डाल दी, उसके साथ मैंने गुड कंपटीशन, बट आर एंकी जीता है। अरे यार थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं ना, नेक्स्ट टाइम के लिए। डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गया नू, तेरा पाला ही गंदे बंदे से बड़ा। अरे चल ना तू, इसका पाला बड़ा गंदे बंदे नहीं। अब एक मैच एक गोलगप्पा मैं ऐसा भी चाहता था ना कि देखो जो एंड तक भरता जाऊं मैं, जिसमें इतनी सी भी जगह ना हो, और फिर इसके अंदर पानी यार मीठे वाला पानी लाता है यार, मूड खराब कर दिया तूने। मीठा है तो है वो भाई, हम सबको लग रहा है हम जीते हैं, जीता तो मिठू है, कैसे पकड़ पकड़ के खा रहा है। मैं भी खा लूं, रहने दे, उड़ उड़ के मारेगा तेरे, उड़ उड़ के मारेगा। मिठू दियो, मिठू दियो। जितनी देर मैंने और रोनी ने ना प्लान बनाया कि मम्मी पापा के लिए भी एक पैक करके ले जाते हैं, ये बंदा दूसरा गोलगप्पा पकड़ के ले आया अपने हाथ में, और वो उसने दूसरा भी चख लिया, अब इसको सूजी का भी खाना है। इतना हरामी होता है ना, इसको किसी की नहीं, वो कैसे चबा चबा के खा रहा है। खाने में तू खा ले, मैं मॉम डैड के लिए अब स्पेशल गोलगप्पे बनाऊंगा, और फिर उनको भी एक एक टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि खाने का टाइम हो गया, वो तो खाएंगे नहीं। अब मैं बनाऊंगा मॉम डैड के लिए स्पेशल गोलगप्पे, पापा मम्मी के लिए एक एक ही बनाऊंगा, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया ना, बट फिर भी मुझे पता है मैं टेस्टी बनाऊंगा, तो मैं एक एक्स्ट्रा ले जाऊंगा, और जो जरूरत पड़ी तो फिर और ले लेंगे। स्टफिंग करनी है इनकी प्रॉपर, रजी कर इतना भी ना करेगी, सारे पानी ना जाए अंदर। नहीं नहीं अरे स्टफिंग का ही तो स्वाद है रोनी, तेरे को इन चीज़ों को पता नहीं है। देखे तुमने ऐसे स्टफ्ड गोलगप्पे, ये पानी रख दिया, ये मॉम डैड के लिए हो जाएगा। आजा सैनिक आजा, वो अभी भी लगाई है, वो अभी भी लगाई है, उसको नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं है, दिन रात भाई खाई जा रहा। चल पापा मैंने ये स्पेशल गोलगप्पे बनाए हैं, खाने अपने आप भी टेस्ट कर लो, एक एक खाने का टाइम हो गया, ज्यादा करोगे नहीं, एक एक ले लो और बताना कैसा है। अच्छा जबरदस्त, पापा बता नहीं पाए ठीक से, मम्मी बताएगी क्योंकि मम्मी भी हमारी तरह, मम्मी को भी बहुत शौक है बाहर की चीजें खाने का, पर मम्मी खाती नहीं है, वो बात अलग है, पर शौक है मम्मी को भी। तभी मैंने ना दो किसके तीन कर लिए, मेरे को पता था मम्मी एक खाने के बाद एक और की मांग करेगी, क्योंकि टेस्टी है। कैसे मोम एवन, एक बार चाहिए एक बार ले ले, पहले मैं दो ही लेकर आया था। सही है ये पानी भी सही है, वो ज्यादा खट्टा वाला नहीं है। मिर्च वाला नहीं लेकर आया ना, तुम्हारे लिए मीठे वाला पानी है, ठीक है अच्छा। मिर्च वाला तो मैंने और अनु ने खाया, और रोनी ने खाया मीठे वाला पानी, टेस्टी है तो मम्मी खाएगी।
बस ओके बा पानी दे पानी लो पानी बहुत अच्छा बनाया बहुत जबरदस्त बनाया बंदे ने मैं पी लेता हूँ चलो भोजन करते हैं 5 मिनट में चलो आना आ जाओ आ जाओ तो यार इस व्लॉग में यहीं पर ध्यान करते हैं खाना पीना सारा हो चुका है अब बस सोने की तैयारी हो रही है इसको तो तुम सोए हुए देख सकते हो तो इस व्लॉग में यहीं पर ध्यान करते हैं आई होप तुम सबको ये व्लॉग मजेदार लगा होगा मजेदार लगा है तो कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ऐसे व्लॉग्स डेली व्लॉग्स तुम्हें यहाँ देखने को मिलते रहेंगे बहुत मजेदार मिलते रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दो अदरवाइज अपनी लाइफ में तुम जो हंसी के मोमेंट्स होते ना वो मिस कर दोगे व्लॉग्स मिले या ना मिले ये बंदा तुम्हें जरूर मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर।